अस्सलाम वालेकुम। ये नाइन्थ क्लास के लिए प्रोबेबिलिटी, इसमें क्वेश्चन नंबर टू है। 1500 फैमिलीज विद टू चिल्ड्रन वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डेटा वर रिकॉर्डेड। 1500 फैमिलीज को चूज किया गया रैंडमली विद टू चिल्ड्रन, उनमें से यानी हर फैमिली के दो दो बच्चे वहीं, उनमें से रैंडमली उनको सिलेक्ट किया गया, तो ये डेटा हमें हासिल हुआ है। नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, नंबर ऑफ फैमिलीज 470 फैमिलीज ऐसे हैं जिनमें की नंबर ऑफ गर्ल्स टू है। 814 फैमिलीज वो हैं जिनमें नंबर ऑफ गर्ल्स वन है, और 214 फैमिलीज वो हैं जिनमें नंबर ऑफ गर्ल्स जीरो है। यानी ये टोटल जो है, टोटल इसका क्या है, 1500। टोटल फैमिलीज क्या है, 1500 फैमिलीज हैं, इनमें से 475 फैमिलीज वो हैं जिनमें दो दो लड़कियां हैं, इन फैमिलीज में दो लड़कियां हैं। 814 वो फैमिलीज हैं जिनमें एक लड़की है, 214 वो फैमिलीज हैं जिनमें लड़कियां नहीं हैं। कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग टू गर्ल्स, हमें टू गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, वन गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और नो गर्ल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फर्स्ट पार्ट हम करेंगे, पहले हम देखेंगे टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज है 1500। अब देखना है नंबर ऑफ फैमिलीज, पहले पार्ट में नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग टू गर्ल्स, वो कितनी फैमिलीज है, 475। तो अब हमें इसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज हैविंग टू गर्ल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिलीज हैविंग टू गर्ल्स, वो क्या है, नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग टू गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। तो नंबर ऑफ फैमिलीज हैविंग टू गर्ल्स दैट इज 475, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज क्या है, 1500। इसकी कैंसिलेशन हम करेंगे, दैट इज 530 5 9 5 5 5 6 0 5 1 5 9, दैट इज 19 by 60. So the probability of families having two girls is 19 by 60. इसी तरह हमें one girl वाले इसमें इसकी probability निकालनी है, तो यहाँ पे आएगा 814 by 1500, फिर इसकी cancellation हो जाएगी, और no girls third part में क्या आएगा, 214 by 1500, तो इसमें भी कैंसिलेशन करेंगे। तो लास्ट पर हमें इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल्सो चेक देयर सम, टोटल सम भी इसका करना है, तो जो भी यो ये प्रोबेबिलिटी हमें निकलेंगे इनका सम भी हमें निकालना है, वो आसान है। खुदा हाफिज़।